महापुरुष किंकरा सहसा पश्यतः तस्य
विवक्षुमभिप्रेत्या महापुरुष किंकरा सहसा पश्यत विवक्षुमभिप्रेत्या महापुरुष किंकरा सहसा पश्यत तत्रांतरदधिरेऽनघः। तं विवक्षोऽभिप्रेत्या महापुरुषकिङ्करः अपश्यत तस्य अनघः। विवक्षुमभिप्रेत्या महापुरुष किंकरा सहसा पश्यत तस्य विवक्षुमभिप्रेत्या महापुरुष किंकरा सहसा पश्यत तस्य अनघः। विवक्षुमभिप्रेत्या महापुरुष किंकरा पश्यत कश्चित्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य स्वरूपादर स्वरूपाद की जय। शब्दार्थ रहेंगे तम उसको अजामिल को विवक्षुम बोलने की इच्छा करते हुए अभिप्रेत्या समझ कर महापुरुष किंकरा भगवान विष्णु के दूत सहसा एकाएक पश्यतः तस्य उसके देखते देखते तत्र वहाँ अंतर्दधिरे अंतर्धान हो गए अनघ। हे निष्पाप महाराज परीक्षित। अनुवाद दोहराएंगे। हे निष्पाप महाराज परीक्षित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु दूतों ने भगवान के विष्णु दूतों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाह रहा था अतः वे सहसा उसके समक्ष से अंतर्धान हो गए। तात्पर्य अभिचरणारविंद भक्तिदान किसान स्वरूपाद द्वारा स्वरूपाद की जाए। शास्त्रों का कथन है पापिष्टाय दुराचारा देव ब्राह्मण निंदका अपथ्य भोजना तेषाम अकाले मरणम ध्रुवम। जो लोग पापिष्ट अर्थात अत्यंत पापी तथा दुराचार या गंदी आदतों वाले अथवा दुराचारी होते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध हैं जो वैष्णवों तथा ब्राह्मणों का अनादर करते हैं और सर्वभक्षी हैं उनकी असामयिक मृत्यु निश्चित है। कहा जाता है कि कलयुग में मनुष्य की अधिकतम आयु 100 वर्ष की होती है किंतु जो जो लोग अधम होते जाते हैं उनकी आयु घटती जाती है प्रायेण अल्प आयुषः। क्योंकि अब अजामिल सारे पाप फलों से मुक्त था इसलिए उसकी आयु बढ़ा दी गई थी यद्यपि उसे तुरंत मरना था। जब विष्णु दूतों ने देखा कि अजामिल उनसे कुछ कहना चाह रहा है तो वे उसे परम भगवान का गुणगान करने का अवसर देने के उद्देश्य से अंतर्धान हो गए। क्योंकि उसके सारे पाप फल नष्ट हो चुके थे अतः अब वह परम भगवान की महिमा का गायन करने के लिए तत्पर था। दरअसल जब तक कोई सारे पाप कर्मों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाता वह भगवान का महिमा गायन नहीं कर सकता। इसकी पुष्टि स्वयं कृष्ण भगवान ने भगवद गीता 7.28 में की है।
पुण्यकर्मणां द्वंद्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है और जो मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं, वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। विष्णु दूतों ने अजामिल को भक्ति से अवगत कराया, जिससे वह तुरंत भगवत धाम वापस जाने के योग्य बन सके। भगवान का गुणगान करने के लिए उसकी उत्सुकता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्धान हो गए, जिससे उनकी अनुपस्थिति में वह वियोग का अनुभव कर सके। वियोगावस्था में भगवान का गुणगान अति तीव्र हो जाता है। ओम अज्ञान तिम्रंध्यस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपक दामहियं ददाति सप्रथांतिकम्। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुता पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातम सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता शिव शाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी रसभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। जय कृष्ण जगन्नाथ जय वैकुण्ठनामधिक जय देव कृपा सिंधु जय लक्ष्मीपते प्रभु जय निरांबुज श्याम निर्जीवत सन्निभ जय पदम धरित्रिभ्यां निसेवित पदांबुजं जनार्दन जगत बंधु शरणागत पालको तं दासानां दासत्वं देहि मे प्रभु दासत्वं देहि मे प्रभु। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं छठे स्कंद के अध्याय 2 विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का उद्धार, उसका 23वां श्लोक। आज विष्णु दूतों ने जब अजामिल को बचा लिया यमराज के दूतों के चंगुल से, यमराज के दूतों को समझा दिया, यमराज के दूत अब कुछ करने लायक नहीं रहे, क्योंकि विष्णु दूतों ने उनको डांटा, बोले आप धर्म के नाम पर अधर्म फैला रहे हो, ऐसे तो आप धर्मराज के सेवक हो और जो ये कार्य करने जा रहे हो ये आपको पता नहीं, ये गलत कार्य है आपका। एक धार्मिक सारे पापों से मुक्त है अजामिल अभी, क्योंकि उसने भगवान का नाम ले लिया है और उन्होंने भगवान के नाम का महिमा का भी वर्णन किया। विष्णु दूतों ने अपने मुख से भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया कि कैसे भी करके कोई भगवान का नाम उच्चारण करे किसी भी प्रकार से तो वो जो है सारे पापों से मुक्त हो जाता है। पिछले श्लोकों में इसका वर्णन किया गया कि कोई संकेत में परिहास में किसी को बुलाने के लिए या किसी शहर जाने के लिए या
एड्रेस में किसी ना किसी प्रकार से भगवान का नाम लेगा तो भी वो जो शुद्ध हो जाएगा सारे पापों, इतने पापों से शुद्ध हो जाएगा जितने जो है उसकी क्षमता नहीं है करने की। इसलिए जो है अजामिल ने अपने पुत्र नारायण का नाम लिया, भगवान का नाम रखा था नारायण, अपने बच्चे का नाम भगवान के नाम पर उन्होंने रख दिया था भगवान की विशेष कृपा के कारण। इसलिए जो है उसके नाम के उच्चारण से वो पूरी तरह शुद्ध हो चुका था। इसलिए विष्णु दूतों ने बोला कि ये पूरी तरह शुद्ध है, इसको तुम ले जा नहीं सकते। और चारों जो वो तीन थे यमराज जी के दूत और विष्णु दूत, चार थे और चारों जो है एक एक व्यक्ति जो है चारों अस्त्र लिए हुए था, शंख चक्र गदा पद्म, चारों हाथ थे उनके बड़े बड़े, कुछ कुछ और भी अस्त्र लिए हुए थे, तलवार भी थी किसी के पास, शंख की जगह अलग अलग अस्त्र थे। तो जो है और चारों जो है ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे सारे देवताओं से सबसे श्रेष्ठ हैं, पूरे ब्रह्मांड में जो भी शक्तिशाली व्यक्ति हैं उनसे भी श्रेष्ठ दिखाई दे रहे थे। इसलिए श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो इतने शक्तिशाली हैं तो यमराज को भी दंडित कर सकते हैं। विष्णु दूत जो है भगवान के, यमराज जी भी भगवान के सेवक हैं, विष्णु दूत भी भगवान के सेवक हैं, तो इसलिए उनकी शक्ति जो है बहुत अधिक है, कोई सीमा नहीं है भगवान की, दूतों की शक्ति का भी। भगवान का शक्ति असीम है, ऐसे ही भगवान के भक्तों का भी शक्ति असीम है, और भक्तों का शक्ति आश्रित है भगवान की शक्ति के ऊपर, स्वतंत्र रूप से उनके पास कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति करते हैं, इसलिए उनके पास भक्ति करने के कारण एक दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाता है। तो विष्णु दूतों ने इसलिए यमराज जी के सेवकों को, जो मृत्यु के दूत के रूप में आते हैं, व्यक्ति को शरीर से निकाल लेते हैं, आत्मा को शरीर से निकाल देते हैं, इतना उनके अंदर क्षमता है, और हमारा क्षमता है कि हम आत्मा को देख भी नहीं पाते। तो बड़े बड़े वैज्ञानिक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजा, महाराजा, कोई भी हो, कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी शक्ति वाला हो, आत्मा का उसको कोई ज्ञान ही नहीं है, पता ही नहीं कि आत्मा है, उसके बारे में अज्ञानता है। पर जो यमराज जी के सेवक हैं वो आत्मा को देख भी लेते हैं, उसको पकड़ के खींच भी लेते हैं बाहर, शरीर और आत्मा को पूरी तरह अलग अलग देखते हैं, मतलब तो आत्म साक्षात्कार के स्तर पर रहते हैं, उनको भी पता है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर से अलग हैं, हमसे तो कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ है यमराज जी के सेवक। और यमराज जी से वो धर्म की शिक्षा भी लेते हैं, जब विष्णु दूतों ने पूछा धर्म क्या है, तो उन्होंने पूरा बताया धर्म क्या है, अधर्म क्या है, बताया कि जो वेदों में वेद प्रणीत तो धर्म, अधर्म तद विपर्यय, वेदों में जो बताया गया है वो धर्म है, और जो इसके अलावा जो है वो सब अधर्म है। तो वेदों में शिक्षा दिया गया है कि इस पाप का ये फल है, अच्छा काम करोगे तो ये फल मिलेगा, हमको ये सारा पढ़ाया है यमराज जी ने, तो पूरा डिटेल में बताए, पर उनसे थोड़ा सा गलती हो गया, क्योंकि यमराज जी ने उनको ये नहीं बताया था कि वो ये नाम का क्या प्रभाव है, हरे नाम की क्लास जो है उनको दिया नहीं था, तो इसलिए जो है उनको ये लगा कि ये पापी है और वो आगे पकड़ने के। इसलिए यमदूतों को इस प्रकार से जब डांटा उन्होंने विष्णु दूतों ने, उसकी उनकी वाणी का वर्णन करते हुए पहले बताया गया है कि वो गरजती हुई वाणी में बोले, बहुत स्पष्ट और पूरे जो है सब कुछ स्पष्ट सुनाई दे रहा है जहाँ पर, और बहुत गंभीर स्वर में विष्णु दूत बोल रहे थे, मजाक नहीं कर रहे थे, ऐसे नहीं कि ढीले ढाले बोल रहे थे, बहुत स्पष्ट बोल रहे थे और क्लियर क्लियर बोल रहे थे। तो उनके वाणी के प्रभाव से ही वो समझ गए कि इनके सामने हम टिक नहीं पाए, पहले ही देख लिया था उन्होंने, बोले ये कोई सामान्य दिखाई नहीं दे रही, कौन हो, ज्यादा बताया नहीं हम कौन है, पर इनसे पूछा कि आप धर्म क्या है, ऐसे करके बाद में उनको क्लियर किया कि अब अजामिल ने भगवान का नाम लिया है, पुत्रोपचारितम, पुत्र के रूप में नारायण नाम ले लिया मृत्यु के समय, इसलिए जो है ये अब आपके डिपार्टमेंट का नहीं रहा, ये जो हमारे डिपार्टमेंट में आ गया। व्यक्ति जो है जब भगवान की शरण में आ जाता है तो फिर वो भगवान का जिम्मेदारी हो जाता है, यमराज जी का शासन उसके ऊपर नियम जो है भगवान के ही यमराज जी के द्वारा बनाए गए हैं, और भगवान उसको अपने डायरेक्ट प्रोटेक्शन में ले लेते हैं, आत्म ले लेते हैं, कैसे तो भगवान भगवान बोले सर्वधर्मा माम एकम काम सर्वपाप, अगर कोई मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसको सारे पापों से उसका उद्धार कर देता हूँ, और वो जो है आ जाओ,
वो फिर जो है किसी प्रकार के पाप के सजा भोगने लायक नहीं रहता, उसको तो सजा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि तो पूरी तरह से उसका हृदय सारे पाप प्रवृत्ति से शुद्ध हो जाता है। उसके बाद में जब यमराज जी के सेवकों ने उसके गले में उसको पकड़ लिया था, अंदर डाल दिया था, अंदर सूक्ष्म पर अब अंधे को उन्होंने खोल दिया, वही फंदा भी पटक के चले गए, लेकिन नहीं गए, फंदा भी वही छोड़ के गया, तो उनको खोल दिया और फिर यमराज जी के सेवक चले गए। जैसे ही यमराज जी के सेवक चले गए तो अजामिल को थोड़ी सांत्वना मिली, खुशी हुई बोले हुए यमराज जी से, वो इतने खूंखार थे, खतरनाक थे, उसको जबरदस्ती निकाल रहे थे, और ये इतने सुंदर लग रहे थे देखने में, विष्णु दूत है, बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में, देखने में भी सुंदर लग रहे थे, देख के मन प्रसन्न हो रहा था। जैसे उन्होंने बोला कीर्तन किंकरान दर्शनोत्सव, भगवान विष्णु किंकरान दर्शनोत्सव, पिछले श्लोक में आया था भगवान विष्णु के किंकर, उनको दर्शन करना एक उत्सव के समान है, भगवान के सेवकों का दर्शन होना भी स्वभाव सामान्य नहीं है। दर्शने पवित्र करो वैष्णव ठाकुर का वर्णन करते हुए, वैष्णव की महिमा का वर्णन करते हुए बोलते हैं कि वैष्णव जो है उनके दर्शन से भी जीव पवित्र हो जाता है, अगर वैष्णव का दर्शन कोई करता है तो उसका हृदय भी निर्मल हो जाता है धीरे धीरे कर, और कोई शुद्ध बहुत श्रेष्ठ वैष्णव तो उसको एक बार देखने से ही शुद्ध हो जाता है, इतना प्रभाव है वैष्णव के दर्शन का। इसलिए वो दर्शन कैसा है, उत्सव दर्शनोत्सव, भगवान का दर्शन करना और भगवान के भक्तों का दर्शन करना दोनों उत्सव के समान है। किसका उत्सव, आत्मा के लिए उत्सव है, क्योंकि उससे आत्मा का जो बंधन है वो कट जाता है, जीव जो सांसारिक बंधन में फंसा हुआ है वो धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। इसलिए दर्शन भक्तों का करना चाहिए, भगवान का करना चाहिए, आंखों को कैसे नियुक्त करना चाहिए, भगवान के मुकुंद लिंगालय दर्शन ही दर्शो, भगवान मुकुंद के जो विग्रह हैं, भगवान के जो सुंदर रूप है उसका दर्शन, और जो वैष्णव है वो भी भगवान के ही स्वरूप है, कैसे, क्योंकि भगवान उनके हृदय में हमेशा रहते हैं। हमारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद का है नाम राम वैष्णव पराम, जो वैष्णव है भगवान के हृदय में रहते हैं, भगवान के प्राण स्वरूप हैं, और भगवान जो है वैष्णव के प्राण हैं, भगवान हमेशा भक्तों के हृदय में रहते हैं, तो भक्तों के हृदय में रहते हैं तो भक्त जो है भगवान के चलते फिरते मंदिर के समान है, तो उनके कोई संपर्क में आएगा तो फिर वो भगवान के शुद्ध शुद्धता शुद्धिकारक प्रभाव को प्राप्त करेगा ही, जितना श्रेष्ठ वैष्णव होगा उतना प्रभाव भगवान का डायरेक्ट प्राप्त होता है, श्रेष्ठ मतलब शुद्ध, उत्तम अधिकारी वैष्णव है तो उसके संग में आने से ही हृदय शुद्ध हो जाता है, भगवान का नाम करने का मन करता है, उसको देखते ही नाम जब की इच्छा होती है, मुंह से निकलने लगता नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम जो है बोलने का मन करता है, वैष्णव के जो शुद्ध वैष्णव है उत्तम अधिकारी वैष्णव उनके संपर्क में, मध्यम अधिकारी वैष्णव के संपर्क में आने से भी ज्यादा देर रहा तो फिर वो भी बोलेगा नाम करो तो वो करने लग जाएगा, कनिष्ठ अधिकारी है उसके संपर्क में आने से भी कम से कम वो सुन तो लेगा नाम, वो भी भगवान का नाम लेता ही है बीच बीच में, कभी कभी पूरे टाइम नहीं लेता पर कभी कभी तो लेता ही है, तो वो भी बोलेगा हरे कृष्णा जय श्री राम जय श्री कृष्णा कुछ तो बोलेगा ही, तो उससे भी भगवान के नाम में रुचि धीरे धीरे बढ़ेगा। इसलिए जो है वैष्णव का संग से, जो वैष्णव का संग है उत्सव के समान है, वैष्णव का संग मिलना, क्योंकि जो भी भक्ति में प्रगति करना चाहता है, भक्ति के किसी भी अंग को सीखना चाहता है या सीख चुका है, तो वो अगर हम अपने जीवन को एनालिसिस करेंगे तो वो हम भक्तों के संग से ही सीखे हैं, माला कैसे पकड़ते हैं, माला कैसे करते हैं, भगवान का नाम कैसे उच्चारण करना है, कैसे भगवान को प्रणाम करना है, सब कुछ जो है कैसे शास्त्र अध्ययन करना है, शास्त्रों को कैसे समझना है, क्या उसका फिलोसफी है, और शास्त्र में ऊपर फिर प्रवचन कैसे करना है, कैसे धोती कुर्ता पहनना है, सब कुछ जो है भक्तों के संग से ही सीखे, कोई ऐसा चीज नहीं जो अपने आप, हाँ हमारे तो स्वतः स्फूर्त प्रेम है भगवान के प्रति, इसलिए हमारे को डायरेक्ट प्रकट हो गया दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, ऐसा नहीं हो डायरेक्ट एकदम से कुछ प्रकट हो गया, ये भक्त संघ के कारण ही ऐसा हुआ है, तो भक्त संघ जो है ये उत्सव के समान है,
हाँ, प्रसंगम अजरम पासम, जो बत्संग है वो सारे सांसारिक बंधन को नष्ट करने वाला है। तो जब उनको अजामिल को इस प्रकार का संग मिला, कृपा जी बताते हैं अजामिल को जो विष्णु दूतों के संग से उसकी भक्ति में उत्सुकता बढ़ गई, भगवान का गुणगान करने की इच्छा हुई उसकी। विष्णु दूत जो है उत्तम अधिकारी है, तो उनके संग से उनके दर्शन करने से उसका इच्छा किया कि मैं भी भगवान की भक्ति करूं, मैं भी भगवान का गुणगान करूं। तो उनको जैसे ही यमदूत चले गए, विष्णु दूत रुके, तो फिर अजामिल कुछ बोलने लगा उनको, थोड़ा कुछ बोलने वाला था, हाथ उठा के बोल रहा था कुछ, रुको, थोड़ा धन्यवाद करना चाहता था, कुछ उनका गुणगान करना चाहता था। ऐसे विष्णु दूत अंतर्धान हो गए, उसको बोलने का बोलने से पहले ही गायब हो गए। तो प्रभा जी बोलते हैं इस तात्पर्य में कि विष्णु दूत चाहते थे कि इसका रुचि और बड़े भक्ति में, कि हमारे संपर्क में आने से इच्छा करने लग गया भगवान का, तो हम अगर रहेंगे तो इतना ज्यादा भगवान का गुणगान नहीं कर पाएगा, हमारा गुणगान करने लग जाएगा। तो भक्तों का स्वभाव है कि वो चाहते हैं कि भगवान का गुणगान हो, शुद्ध भक्त है वो अपना गुणगान चाहता नहीं, अमानिना मान देना, वो हमेशा भगवान का गुणगान करना चाहता है, खुद का गुणगान सुनने की उसकी इच्छा नहीं रहती, स्वतः ही उसकी इच्छा चली जाती है, उसके अंदर सारे सद्गुण आ जाते हैं, अमानित्व, अपने मान की सम्मान की इच्छा नहीं करती। इसलिए विष्णु दूत चाहते नहीं थे कि हमारे को धन्यवाद दे, क्योंकि हम तो सेवक हैं भगवान के, भगवान की कृपा से हम आए हैं, उन्होंने हमको भेजा है, उनके आदेश के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं, हम जो है गुणगान लेने के पात्र नहीं है, इसलिए हम चले जाएंगे तो किसका गुणगान करेगा, भगवान का गुणगान करेगा, और हमारे बारे में भी सोचेगा। विरह भाव में जो भक्ति होती है अत्यंत तीव्र होती है, ये कृपा जी लास्ट लाइन में लिखे हैं, योगावस्था में भगवान का गुणगान अति तीव्र हो जाता है, तो इसलिए जो है उन्होंने ये अवसर दिया। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिनमें हमको लगता है कि इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं फिर भी भगवान की कृपा नहीं हो रही, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, साक्षात भगवान के जो विष्णु दूत आए, नारद जी आते रहते, हमको तो दिखता नहीं कोई। तो ये हमारे पास अवसर है विरह अवस्था में भगवान का गुणगान करने का, कि भौतिक जगत में जो भी लोग हैं सबके पास ये अवसर है कि विरह अवस्था में भगवान का गुणगान कर सकते हैं। तो ये जो है विशेष अवसर दिया अजामिल को विष्णु दूतों ने। तो प्रभा जी तात्पर्य बता रहे हैं, अजामिल मरने वाला था, उसका मरने का टाइम फिक्स हो चुका था, निकाल लिया गया था, आधे में था, आधा अंदर आधा बाहर, तो विष्णु दूतों को भी देखा, यम दूतों को भी देखा, पर उसका आयु बढ़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने भगवान का नाम उच्चारण किया और उसके पाप तो छीन हो गए। आयु कम हो जाता है अगर कोई पापी व्यक्ति होता है, अगर हम कुछ गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, तो हमारा आयु छीन हो जाता है। पिछले कर्मों के अनुसार आयु निश्चित किया गया है, पर अभी जो कर्म है उनके अनुसार आयु छीन हो सकता है। तो कैसे कैसे छीन होता है इसको भी इस तात्पर्य में कृपा जी बता रहे हैं। पापिष्ठाय दुराचारा देव ब्राह्मण निंदका अपथ्य भोजना तेषां अकाले मरणम ध्रुवम। अकाल मृत्यु निश्चित है किसकी, जो पाप कर्म में लगा हुआ है। इसलिए प्रभुपाद जी ने जब संस्था स्थापित किया इसको, तो पहले ही बताया चार पापों से बचे रहना, चार प्रकार के नियमों का पालन करना है। अगर चार नियम तोड़ेंगे तो ये पाप कार्य है, और पाप कार्य करेंगे तो आयु जो है निश्चित रूप से कम हो जाएगी और अकाल मृत्यु पक्की है। अकाल मृत्यु होना ध्रुवम, अकाले मरणम ध्रुवम, निश्चित रूप से मरेगा बीच में, मतलब आयु पूरी होने से जो पहले आयु मिला था वो छीन हो जाएगा, तो पाप करने से आयु छीन हो जाती है। दूसरा दुराचारा, दुराचार करने से, सदाचार और दुराचार दो चीज है। सदाचार जो है वो आचरण जो आत्मा की स्वाभाविक स्थिति के अनुकूल है, हम शरीर से अलग हैं, हम आत्मा है, तो आत्मा के स्तर पर जो आचरण है वो सदाचार कहलाता है, जिससे कि हम रियलाइज कर पाए कि हम आत्मा है। जैसे कोई अगर पशु की नकल करता रहे, पूरे दिन कुत्ते की नकल उतारता रहे, तो उसको उसको जो है बिना किसी प्रयास के भौंकने लगेगा। अगर कोई व्यक्ति बार बार रोज रोज प्रैक्टिस करता है नकल करने की उसकी, तो कभी कभी उसको बिना, जैसे कोई जो नाटक करते हैं ना, जो एक्टिंग करते हैं अच्छा, तो कभी कभी बिना नाटक के भी एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है उनकी, क्योंकि इतना प्रैक्टिस करते रहते हैं करते रहते हैं, तो कभी कभी डायलॉग बोलने लगते हैं, नींद में भी डायलॉग बोलते हैं, ऐसा होता है अगर ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो
इसलिए चाहे हम आत्मा के स्तर पर नहीं पहुंचे, पर अगर आत्मा के कार्यों को समझ जाए, आत्मा का क्या कार्य है, आत्मा के लिए क्या कर्तव्य है, और उसको अपने जीवन में प्रैक्टिस करें, तो धीरे धीरे हम समझ रियलाइज कर लेंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और अगर हम शरीर के कार्यों में लगे रहेंगे तो हमेशा शरीर को ही मैं मानते रहेंगे। तो इसलिए जो है सदाचार जो है वो हमारी आयु को बढ़ाने वाला है। कैसे? क्योंकि शरीर का कुछ सिस्टम है जो प्रकृति के नियम के अनुसार चलता है। भगवान बोलते हैं कि जो युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जितना आवश्यक है उतना कार्य करता है, जितना आवश्यक है उतना खाता है, युक्त स्वप्न बोधश्च, जितना आवश्यक है उतना सोता है, तो वो क्या होता है, योगो भवति दुःखः, वो योग कर सकता है। भगवान से जुड़ कौन सकता है जो ये कर सकता है। उससे पहले वाले श्लोक में बोलते हैं जो जरूरत से ज्यादा खाता है या बहुत कम खाता है, जरूरत से ज्यादा सोता है या बहुत कम सोता है, जरूरत से ज्यादा घूमता है या बहुत कम घूमता है, वो जो है योग साधन नहीं सकते। भगवान की भक्ति में अविचल भाव से नहीं लग सकते, उनमें बहुत बाधाएं आएगा, शरीर जो है बहुत तरीके से परेशानी क्रिएट करेगा। पर जो युक्त है इन चीजों में, शरीर के कार्यों में, वो क्या करेगा, योग कर पाएगा, भगवान से भक्ति में जुड़ा रह पाएगा बिना किसी विचलन के, बिना किसी बाधा के, हेतु की अप्रतिहत, अप्रतिहत रूप से जुड़ा रह पाएगा। और दुख, हाँ, सारे प्रकार के दुखों को दूर कर पाएगा, सारे प्रकार के दुख उसके नष्ट हो जाएंगे, और शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। शरीर जो है जैसा बनाया है भगवान ने, जिस प्रकार का दिया है वैसा रहेगा कम से कम, और जो है इस कारण से आयु बढ़ जाएगा, आयु लंबा हो जाएगा। सदाचार पालन करने से आयु बढ़ जाएगा। तो सदाचार में शरीर की जो नियम है वो पूरे फुलफिल होते हैं, शरीर की आवश्यकता है, मन की आवश्यकता है, सब पूरे होते हैं। और दुराचार जो है उसके कारण जो है आयु छीन हो जाता है। जैसे महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण के लिए प्रयास किया गया, तो उसमें बहुत सारे राजा लोग बैठे थे, किसी ने विरोध नहीं किया, इस कारण से सबका आयु छीन हो गया, जितने भी लोग थे सबका आयु छीन हो गया। अर्जुन बोला महाभारत में कि युद्ध में कि मैं मारूंगा नहीं इनको, भगवान बोले तुम मारो चाहे ना मारो, इनका टाइम आ चुका है, इनको मरना निश्चित है, इनका आयु पहले ही छीन हो चुका है, इन्होंने काम ऐसे किए हैं, यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं इनमें से एक भी बच के जाने वाला नहीं है, तुम मारो चाहे नहीं मारो, ये तो मरना निश्चित है, मैं काल अस्मि अहम्, लोगों को खय कृत प्रोढ़ दो, मैं काल रूप में आ चुका हूँ और इनको मारने के लिए आया हूँ, इसलिए आपकी जरूरत नहीं मारने के लिए, आप मारना चाहो तो मारो, यश लेना चाहो तो यश, निमित्त मात्र न भव सब्य साक्षी, निमित्त बन जाओ और यश लाभ करो, इस समृद्ध पृथ्वी का भोग करो, आपकी इच्छा है, पर नहीं मारोगे तो भी मरेगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऐसे दुराचार के कार्य किए हैं, ऐसे पाप कार्यों में लगे रहे हैं जीवन भर, इनको इसका दंड मिलना स्वाभाविक है, इसलिए आयु से पहले ही मरेंगे। इसलिए ये जो दुराचार है वो आयु को घटाता है। देव ब्राह्मण निंद कहा, देव मतलब भगवान, ब्राह्मण मतलब जो भगवान के नियमों का पालन करते हैं, और वैष्णव, कृपा जी बोलते हैं वैष्णव भी, तो भगवान, भगवान के भक्त, देवता, देवता भी उसमें आते हैं, ब्राह्मण भी आते हैं, वैष्णव भी आते हैं। इनका जो निंदा करता है, निंदा का अर्थ जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि ऐसा कार्य का आरोप लगाना जो कार्य उसने किया ही नहीं है, ऐसी चीज के लिए दूसरों पे, किसी व्यक्ति पे आरोप लगाना जो उसने कभी किया ही नहीं है, उसको बोलते निंदा। और जो कार्य उसने किया है उसके लिए उसको बोलना, उसको बोलते हैं दोषारोपण। और दोषारोपण जब बढ़ जाता है, जब दोष 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 देखते रहते हैं, तो बिना देखे भी कुछ दोष लगा ही देते हैं, तो दोष की प्रवृत्ति, दोष देखने की प्रवृत्ति जो है आगे जाके निंदा में परिवर्तित हो जाती है। अगर हम बार बार किसी व्यक्ति में दोष देख रहे हैं, दोष देख रहे हैं, तो कई बार ऐसा होगा कि उसने जो कार्य किया नहीं उसके लिए भी उसको ही ब्लेम कर देंगे, बोले इसी ने किया होगा, पहले भी किया ऐसे कई बार, या फिर पहले जो उसने कोई गलती किया है जिसको वो सुधार चुका है उसके लिए उसके ऊपर दोषारोपण करना, तुम तो पहले भी ऐसा किया, अभी भी तुम ही किए होंगे, ये निंदा है। या दूसरों को बोलना वही किया होगा मैं जानता हूँ, ऐसा ही हो, पहले कई बार कर चुका है ऐसा, ये जो है सब निंदा के अंतर्गत आता है। तो जो ब्राह्मणों का, भगवान का, देवताओं का निंदा करता है, उसको पता ही नहीं देवता क्या है, लोगों को पता ही नहीं, विश्वास भी नहीं कि देवता होते हैं, पर भी देवताओं के पीछे पड़े रहते हैं, सारे लोग जो है भगवान का और देवता का निंदा करने में लगे हुए हैं, ऐसे ग्रुप बना बना के, संगठन बना के निंदा किया जा रहा है,
पूरा टेक्नोलॉजी का उपयोग करके चैनल बना के उसको प्रसारित किया जाता है। समझ बिल्कुल नहीं है, श्रद्धा बिल्कुल नहीं है, ये विश्वास भी नहीं कि वो एग्जिस्ट करते हैं। जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती ऐसा वो मानते हैं, और उसका निंदा करने में वो अपना समय लगाते रहते हैं। ऐसे घोर मूर्ख लोग हैं, जिस चीज़ के ऊपर भरोसा ही नहीं कि वो है उसका भी वो निंदा करते रहते हैं। मतलब मानते नहीं भगवान है पर फिर भी भगवान का निंदा करेंगे, मानते नहीं कि कृष्ण कोई है, पहले हुए हैं 5,000 साल पहले, वो परम भगवान, नहीं मानते, बोले ये सब माइथोलॉजी है, और फिर बोलते हैं उन्होंने ये गलत किया वो गलत किया। जब है ही नहीं तो गलत कैसे कर सकता है। इतने घोर मूर्ख हैं, जिसका एग्जिस्टेंस नहीं मान रहे उसका भी निंदा कर रहे हैं, इतना घोर प्रवृत्ति है निंदा का। जिसको हम जानते नहीं मानते नहीं उसके ऊपर भी कुछ आरोप लगा रहे हैं, तो ये जो है ये कहलाता देव निंदा। और ब्राह्मण और वैष्णव निंदा, तो ये जो वैष्णव के बीच में रहते हैं उनके अंदर पाया जाता है। एक दोस्त जो है सभी के अंदर, कृपा जी बोलते थे, दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज लाइक हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कौन आता है? कुछ कुछ डॉक्टर होते हैं, कुछ डॉक्टर होते हैं, बाकी सब पेशेंट होते हैं। एक डॉक्टर का क्लिनिक है, उसमें हजारों पेशेंट आते हैं। कुछ कुछ डॉक्टर होते हैं, ऐसा नहीं सभी मरीज हैं, कुछ डॉक्टर भी होते हैं, पर डॉक्टरों की संख्या हमेशा कम ही रहती है मरीजों की संख्या की तुलना में। तो इस्कॉन जो है वो सुधार ग्रह की तरह है, यहाँ पर सुधरने का अवसर दिया जाए, जेल नहीं है पर फिर भी सुधार ग्रह, बिना बंधन के सुधार, स्वेच्छा से सुधार, स्वेच्छा स्वैच्छिक सुधार ग्रह, अपनी इच्छा से यहाँ पे भक्त आते हैं। इलाज कराने के लिए मरीज को फोर्स थोड़ी किया जाता है कि बोले आओ यहाँ पे, नहीं तो आपको दंड दिया जाएगा, मारपीट के थोड़ी लाया जाता है उसको, वो खुद ही आता है, डॉक्टर साहब थोड़ी प्रॉब्लम है, दिखाइए हमको, देखिए हमको सुधारिए, फिर बताइए हमारे लिए क्या सोल्यूशन है। यहाँ पे सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियाँ होना स्वाभाविक है, कोई कोई होगा जिनके अंदर कोई कमी नहीं है, और जो डॉक्टर है वो कमियों को ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं करता, क्योंकि तो उसको पता है कि सारे मरीज हैं, थोड़ा इसमें ज्यादा है उसमें कम है, उसको दवाई देना है ठीक करना है। तो डॉक्टर को वो निंदा का प्रॉब्लम नहीं होता, जो मरीज है वही देखते हैं, अरे देखो ये हाथ भी टूटा हुआ है, पैर भी टूटा हुआ है, पेट में भी प्रॉब्लम है, सर में भी प्रॉब्लम, सब जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मेरे को, मैं कितना अच्छा हूँ, मेरे केवल हाथ में टूटा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है अपनी अपने से तुलना करके दूसरे ब्राह्मणों का, दूसरे भक्तों का जो है उनको गलत ठहराना या उनके अंदर कुछ कमी निकाल के जो है ही नहीं वास्तव में, कई बार ऐसा भी होता है जो है ही नहीं, जब बार बार दोष देखते हैं तो जो है नहीं वो भी बता देते हैं, उसको निंदा कहा जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, आयु क्षीण हो जाता है, जो हमारा जो आयु है वो कम हो जाता है। और ये प्रवृत्ति जो है कलयुग में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए कलयुग में प्रायण अल्प आयुषा सभ्यः। अल्प आयु ऐसा नहीं कि फिक्स ही है, हाँ कलयुग में तो इतने दिन मरेगा ही, उसे कर्म के अनुसार उसकी आयु है, और वो कर्म ऐसे कर रहा है, बचपन से ऐसे कामों में लगा हुआ है कि उसका आयु क्षीण हो जाती है। तो भक्तों का भी आयु क्षीण होता है, किस लिए, उसका एक ही कारण है कि ये निंदा वाला, पाप तो नहीं करते, चार पापों से बचे रहते हैं, दुराचार का भी ऐसा नहीं है कि दुराचारी है, पर ये निंदा वाला पार्ट भक्तों के जीवन में भी रहता है। इसमें जो है रोज रोज कृपा जी नियम बनाए, रोज सावधान करने के लिए कि भक्तों के निंदा से बचे, 10 नाम अपराध रोज पढ़ते हैं। भक्ति में प्रगति करना है तो इससे बचना पड़ेगा ऐसे, इसलिए हमको अनुमान प्रमाण के ऊपर जो हमारा भरोसा है, हमारे मन के ऊपर जो भरोसा है, जब तक छोड़ेंगे नहीं हम कि मैं ऐसा सोचता हूँ मैं बिल्कुल सही हूँ, जब तक इसको छोड़ेंगे नहीं तब तक ये अपराध होगा ही, क्योंकि हम कुछ ना कुछ अनुमान लगाने का प्रवृत्ति है, हाइपोथेसिस, कुछ ना कुछ अनुमान लगाते ही हैं, परिस्थिति को जाने बिना कुछ ना कुछ उसका आकलन कर लेते हैं, और जब मन पे संयम नहीं होता है तो फिर बोल भी देते हैं। मन में छूट दिया गया है कलयुग में, मन में सोचने का छूट है, पर मन इतना कंट्रोल नहीं है, वो मन में आता है तो फिर धीरे एक कभी ना कभी किसी ना किसी को बोल भी देते हैं। ये जो है निंदा का बीज जो है मन में पड़ता है, और फिर वो वाणी के द्वारा प्रकट हो जाता है, उसका परिणाम क्या होता है, कष्ट मिलते हैं तरह तरह से, जीवन में तरह तरह से कष्ट आते हैं, और आयु कम हो जाता है, भक्ति में प्रगति बाधित हो जाता है। और क्या बताएं, अपथ्य भोजना तेषाम, जो खाने योग्य नहीं है वो खाना खाते हैं, जैसे जो मनुष्य शरीर है उसके लिए मांस खाने के लिए नहीं बनाया गया है, मनुष्य शरीर का संरचना मांस खाने के लिए नहीं है। कई सारे लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया है कि मनुष्य के पेट का पीएच लेवल जो है बहुत कम है, मांसाहारी जीवों का पीएच लेवल जो अम्ल की मात्रा है वो ज्यादा होती है, इसलिए
इसलिए मांस को पचाना उनके लिए बहुत आसान है। अभी मांस पचाने की बात क्या करें, सामान्यतः जो खाने के लिए जो चीज आती है वही पचता नहीं है, लोगों को पाचन की बहुत बड़ी समस्या है, पाचन क्रिया जो है बहुत कमजोर है, इसलिए जो है मांस को पचाने के लिए योग्य नहीं है, मांस को खाने के लिए भी योग्य नहीं है। उसको तरह तरह से उस चाकू से काट काट के पीस पीस बना के तल तल के खाया जाता है, तब जाके कहीं वो अंदर जाता है, उसमें भी कई तरह के मसाले लगा लोगों के, उसको टेस्टी भी नहीं होता, सड़ा हुआ चीज है। एक दार्शनिक बोलते हैं कि जो मुर्दे जहाँ पर दफनाए जाते हैं उसको बोलते हैं कब्रिस्तान, और जो मुर्दों को खा रहा है, जो जानवरों को खा रहा है, उसका पेट क्या हो जाता है, कब्रिस्तान, वो बिल्कुल कैसे सुखी रह सकता है, कब्रिस्तान में सुख की आशा कर रहा है, डाल लिए पेट में इतने सारे तो कैसे सोच सकता है मैं सुखी रहूंगा, वो सुखी नहीं रह पाता, और जो शरीर के नियम के साथ विरुद्ध है, इसलिए जो है उसकी उम्र भी कम हो जाती है, शारीरिक स्वास्थ्य भी बाधित होता है और उम्र भी कम हो जाती है। इसके अलावा आगे जाके फिर उसको भी तला जाएगा, पकाया जाएगा, वो अलग है, वो एक्स्ट्रा है, वो तो आगे जो है उसको लेके जाएंगे नरक में, विशेष रूप से तलेंगे कढ़ाई में डाल के, जैसा उसने किया वैसा करेंगे उसको, जिंदे को ही काट देते हैं, कई लोग जिंदे जीवों को खा जाते हैं, तो जिंदों को ही खाया जाएगा, डरेगा वो पैर खा गया कोई, पक्षी आएंगे तरह तरह के रूरू और पैर को ले भागेंगे, कभी हाथ लेंगे, देखते 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 आंख निकाल लेंगे, ऐसे सजाएं दी जाएंगी नरक में, जो कई कई बार तो पृथ्वी पर ही दे दी जाती है ऐसी सजा, देखते देखते कोई कुत्ता खा जाता है मांस खा के भाग जाता है। कभी कभी जो है एक व्यक्ति था चिड़ियाघर में गया था, तो वीडियो आया था, चिड़ियाघर में शेर को बड़ा मनोरंजन कर रहा था, शेर के साथ, शेर दिख रहा था उसको, शेर के साथ कभी कुछ करते ना, अलग अलग प्रकार के सारे फोटो खिंचवाएंगे, सेल्फी लेंगे, और गलती से जो है दीवार के अंदर चला गया चिड़ियाघर, नीचे गिर गया, अब शेर की बारी आ, अब शेर जो है मनोरंजन किया खूब, उसमें वीडियो बनाया उन्होंने, बैठ के बिल्कुल डर के मारे हालत खराब हो गई, शेर आके बैठा एक थप्पड़ मारा खूब जोर से, शेर का स्वभाव जैसे बिल्ली चूहे का शिकार करते ऐसे शेर करता है, डायरेक्ट नहीं मारता, पहले उसको थोड़ा कष्ट देता है, एक थप्पड़ मारा, नाखून कितने बड़े होते, पूरा लहूलुहान हो गया, दूसरे हाथ से थोड़ी देर तक ऐसे किया, बाद में गर्दन पकड़ के मार के छोड़ दिया। यार को तो बात भी तो जो इस प्रकार से जो है, कभी कभी तो इसी बात पृथ्वी पर ही ऐसे दंड दे दिए जाते हैं, जबरदस्ती उसको कष्ट दिया जाता है, ऐसे कई द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे हुआ था, व्यक्तियों को खुद का ही मल खाने के लिए बाध्य किया गया था, सेना में जो कैदी पकड़ लिए गए उनको खुद की ही कोई मल को खिलाया गया जबरदस्ती, कई बार खुद के ही मांस को खिलाया जाता है, ऐसे यहाँ पर भी संसार में भी ऐसा देखा जाता है, इसलिए इतना कष्ट दिया जाएगा और आयु तो कम होगा ही। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं श्लोक शास्त्र में बताया गया है कि ऐसे कार्यों से आयु निश्चित रूप से कम हो जाता है, निश्चित रूप से अकाल मृत्यु होगा उसका, और तड़प तड़प के मरेगा, धन्यवाद। अभी नहीं मरा इस जीवन में किसी कारण से बच गया तो आगे तो पक्का मरेगा, तड़प तड़प, पहले शरीर देंगे, पहले शरीर लेने का कष्ट, शरीर को मेंटेन करने का कष्ट, और फिर शरीर को जबरदस्ती छोड़ेंगे, जब आसक्ति हो जाएगा हाँ ये मेरा है, तब तो उसको जबरदस्ती खींच लेंगे, जब बिल्कुल आसक्ति नहीं था तब नहीं लेंगे, जब बढ़िया आसक्ति हो जाएगा कई दिनों तक कई सालों तक रखेंगे, बोले हाँ मैं शरीर हूँ, तब उसको हटा दिया जाएगा। तो कोई वस्तु जो है हमारे पास है नहीं तो उसको कोई ले लेता है तो हमें कोई दुख नहीं होता, हमारे पास आ गया, हम उसका उपयोग कर रहे हैं, हम उसको अच्छा लगने लग गया हमको, तब उसको हटा लिया जाएगा, तब उसका कष्ट फील होता है, ऐसे जो है परिस्थिति उत्पन्न कर करके कष्ट दिया जाता है, भगवान की योजना जो है उसमें कोई बच नहीं सकता, तो इसलिए जो है अजामिल तो बच गया क्योंकि उसने भगवान का नाम उच्चारण करके भगवान के शरण ग्रहण कर ली। हम भी बच सकते हैं अगर हम अजामिल की तरह भगवान का नाम उच्चारण करके भगवान के शरण में आ जाए, और जो है आप सब भक्त हैं, सब भगवान के शरण में आ चुके हैं, भगवान का नाम भी उच्चारण कर रहे हैं, बस अब एक ही प्रॉब्लम है उसमें, अपराधों से बचना, कार मध्ये सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराध नाम लय पाए प्रेम धन, अगर आप अपराधों से बच जाएंगे तो प्रेम का रूप, प्रेम रूपी धन मिल जाएगा, अगर अपराधों से सावधान नहीं रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगा, फिर जो है हमारे साथ भी ये हो सकता है, तो सभी जीव भगवान के अंश है, अगर तत्व की दृष्टि से देखें तो सब वैष्णव है, चैतन्य भागवत में बताया सब वैष्णव है, सब भगवान के अंश है, भगवान से संबंधित है,
तो इसलिए इनको कष्ट मिल रहा है, हमको नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, हमको भी मिलेगा। यमराज जी की व्यवस्था से ना मिले, भगवान की व्यवस्था से मिले डायरेक्ट, तो कष्ट तो उतना ही देना है, कष्ट उतना ही मिलेगा। अगर हम भी गड़बड़ करेंगे, कुछ गलतियां करेंगे, तो सजा तो पूरी मिलेगी। बस ये कि यमराज जी के यमदूत नहीं देंगे, भगवान देंगे। तो भगवान कैसे देते हैं, पृथ्वी पर ही दे देते हैं, जाओ तुरंत इफेक्ट देते हैं। जिसके ऊपर विशेष कृपा करते हैं, उसकी गलती की सजा उसको तुरंत देते हैं, जिससे कि वो सुधार ले। पर हम अगर बुद्धिमान नहीं होंगे तो हम देखेंगे नहीं कि मेरी गलती की सजा मेरे को मिल रही है, और उसको डालते रहेंगे, बोले ये व्यक्ति है इसके कारण मेरे को इतना कष्ट हो रहा है, ये नहीं होता तो मैं सुखी रहता। इस प्रकार से सोचेंगे और अपनी गलती को रियलाइज नहीं करेंगे, तो फिर बार बार वो गलती दोहराएंगे, बार बार कष्ट प्राप्त करते पाएंगे। जब तक सुधरेंगे नहीं, तब तक भगवान उस गलती को छोड़ेंगे नहीं, माफ नहीं करेंगे, उसको बार बार रिजल्ट देते रहेंगे, कष्ट देते रहेंगे। और जब तक वो रियलाइज ना कर ले, भगवान का व्यवस्था इसलिए कि हम समझ जाए कि हम गलती कर रहे हैं, हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके कारण जो है हम कई सारे गलत कार्यों में लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ दुराचार हमारे जीवन में है, उसको हम दूर करेंगे, तब भी जाके जो भक्ति में भी प्रगति होगा, और भक्ति का जो फल है, दिव्य आनंद रूपी खजाना है, वो हमको मिल पाएगा, जैसे अजामिल को मिला। तो भगवान की कृपा से संभव है, सबके लिए संभव है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति जो है बहुत पापी है या बहुत गलत है, उसके अंदर बहुत कमियां है, उसके लिए संभव नहीं, सबके लिए संभव। कितना भी पापी हो, कितना भी गलत हो, कितने भी उसके हृदय में अभद्र हो, भगवान की कृपा से सब दूर हो सकता है, क्योंकि भगवान परम शक्तिशाली है। ये जो समस्याएं हैं, जो कमियां हैं, अनर्थ है, वो भगवान से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। ये दूर हो सकते हैं, कैसे कैसे दूर हो सकते हैं, भगवान की भक्ति के माध्यम से। और भक्ति होती है कैसे, भक्तों के संघ के माध्यम से। हम भक्त संघ का लाभ उठाएं, जो उत्सव है उसमें भाग लें। दर्शनोत्सव, विष्णु किंकरा दर्शनोत्सव, भगवान के सेवकों का दर्शन का जो हमको सौभाग्य मिला है, भक्तों के संघ का जो सौभाग्य मिला है, उसका लाभ उठाएं। कैसे, भक्तों के में जो दोष हैं उनके ऊपर ज्यादा विचार ना करके उनके गुणों को ग्रहण करें, और धीरे धीरे उनका सहायता करें, दूसरों का भी सहायता करें, तो वो भी अपने दोषों को दूर कर पाए और हम भी अपने दोषों को दूर कर पाए। जैसे जब करते हैं, जब में नींद आता है, ऐसी जगह बैठते हैं कि कोई ड्यूटी पहुंच नहीं सकता, वहां पर टच करना पॉसिबल नहीं उसके लिए। अगर कोई जब सुधारना चाहता है, उसको पता है कि नींद आ रहा है, तो उसको किसी भक्त के पास में बैठना चाहिए, उसको बोल के बैठना चाहिए, बोले गुरु जी मेरे को पता भी नहीं लगता कि मेरे को नींद आता है, बाद में पता चलता है 2 घंटे में आरटी माला हुआ। तो इसलिए ऐसे भक्त के पास में बैठना चाहिए जो जागता रहता है, और उसको बोल के बैठे, क्योंकि वो भी डरता है कहीं, क्योंकि जब नींद आता है पता भी नहीं लगता, तब कोई टच करता है तो उसका गुस्सा आता है, मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो, जब मैं तो समाधि में, तो उसको पता नहीं लगता, स्टार्टिंग में नींद आते टाइम भी पता नहीं लगता। गलती को पहचानना ये बड़ा बहुत बहुत मुश्किल कार्य है। अपनी गलती दिखाई नहीं देती, जैसे अपनी आंखें दिखाई नहीं देती ना, ऐसे अपने जीवन में गलतियां भी दिखाई नहीं देती, और दूसरों की गलती आसानी से दिखाई देती। पर आजकल भगवान ने विशेष सुविधा दी है कि कैमरे से रिकॉर्डिंग की जा सकती है, आप अपना रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, उसको पता चलेगा, बिल्कुल क्लियर पता चलेगा कितना नींद आ रहा है। इसलिए सहायता लेना चाहिए। भक्त संघ का मतलब ऐसा नहीं कि हाँ संघ साथ साथ रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उनके लिए सहयोग लेना चाहिए। क्या सहयोग ले सकते हैं, जब में जो कोई भक्त है, मतलब उसको खुद का पता नहीं चले पर दूसरों का तुरंत पता चल जाता है, कैसा भी भक्त हो, वो भी सो रहा होगा पर उसको खुद का नहीं पता चले, पर आप जैसे आप पास में बैठ के सोओगे तो उसको पता चल जाएगा, तुरंत उठा दे, उस पर भरोसा करना चाहिए ना, इसमें उसको कोई फायदा नहीं झूठ बोलने में, नहीं नहीं ये तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो टच कर रहा मतलब नींद आ रहा, तो उसे बोलना चाहिए, बोले प्रभु जी कभी भी नींद आया तो मेरे को थोड़ा सा टच कर देना, तो इससे मेरा फायदा हो जाएगा। ऐसे जो है जब के दौरान बाकी सेवाओं में भी जब सेवा करते हैं, जैसे उसके बाद फीडबैक लेते हैं, मैंने सेवा कैसा किया, अच्छा सेवा किया, कुछ कमी रहा, कोई और इम्प्रूवमेंट क्या था, ताकि सुधार की आशा तब तक है जब तक हम भगवान के धाम ना पहुंच जाए, तब तक सुधार की आशा है। जब तक हम इसी शरीर में मुक्त ना हो जाए, जब तक हम साक्षात विष्णु दूतों को, नारद जी को, सारे देवता आते हैं भगवान के दर्शन करने, एक भी नहीं दिखाई देता, मतलब हम उस स्तर पे पहुंचे नहीं है, जब तक वो स्तर पहुंच नहीं जाए तब तक सुधार की आशंका है, सुधार की आशा है। जब हम कुछ सेवा करते हैं या कुछ कार्य करते हैं तो उसमें पूछ सकते हैं,
जिन्होंने सेवा दिया उसे पूछना चाहिए, क्योंकि जब हम पूछेंगे तो हमको बुरा नहीं लगेगा, पर जब बिना पूछे जब कोई बताता है तो कुछ करेक्शन देता है तो थोड़ा दिक्कत आता है, और ये तो हमेशा कभी एक बताते रहते हैं, इतना अच्छा भी तो किया ना, ये स्वाभाविक है सबके लिए, तो इसलिए हमको पूछना चाहिए। जब कोई काम करते हैं ना उसके बाद पूछना चाहिए कैसा रहा, मैंने ठीक किया गलत किया, उसमें क्या कमी रहा और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, ये पूछेंगे तो धीरे धीरे हमारे को पता चलेगा कि और क्या कमी हो और क्या इम्प्रूवमेंट की आशा है। और जब हम इस प्रकार से अपनी कमियों को दूर कर पाएंगे तो ऐसा शुद्ध चरित्र निर्मल चरित्र होगा कि हमारे संग से कई लोग का उद्धार हो जाएगा और भी कई लोग भक्त बन जाएंगे। हम देखते हैं कि हम प्रयास करते हैं दूसरों को बोलते हैं पर फिर भी उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। हरिओम करी न करी कृपा जी बोलते हैं इसका मूल कारण प्रचारक की कमी है सारी। तो जैसे कोई उदाहरण देते हैं कि ना सब कुछ ठीक है पर फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, लोगों का रुचि भी है मंदिर भी आते हैं पर फिर भी भगवान का नाम का जप स्टार्ट नहीं करते, तो किसका कमी है? प्रचारक का कमी है। तो वो खुद इतना स्ट्रांग नहीं कि उसको इस प्रकार का समय दे पाए कि भगवान का नाम जप कर। इसलिए अगर कोई हमसे प्रभावित नहीं हो रहा, प्रचार नहीं हो रहा, तो उसमें हमारा ही कमी को हमको रिकॉग्नाइज करना चाहिए और दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए, तब हम देखेंगे कि कुछ कुछ भक्त बनेंगे, भगवान का नाम स्टार्ट करेंगे। इसलिए हमको अपनी आत्मविश्लेषण करना चाहिए, खुद नहीं कर सकते तो दूसरों की सहायता से, दूसरों बहुत आसानी से सहायता कर सकते हैं, सबके पास ये सुविधा है ना, दूसरों के दोस्त तुरंत दिख जाते हैं, थोड़ा भी गलती करेगा तुरंत पता चलता है हाँ ये तो ये बाकी सब सबके बस थोड़ा सा 1% आपका ये गलती रहेगी, 99% सही है और 1% थोड़ा सा गलती तुरंत पता चल जाता है दूसरों को, खुद को नहीं पता चलता। इसलिए जो हमको दूसरों की सहायता से अपनी कमियों को दूर करते रहना चाहिए और ऐसे करेंगे अजामिल की तरह फिर निश्चित रूप से विष्णु दूत आएंगे और विमान लेकर आएंगे, तो कुछ दिन में अजामिल जो है वापस अपनी गलतियों को सारी गलतियों को सुधार देगा, बोले अब जो है मैं सारी माया को पार कर जाऊंगा, अब जो है मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे कि मैं वापस माया में पड़ूं, और सीधे जो है भगवान की भक्ति में पूरे दृढ़ता से लग जाएगा। कुछ दिनों बाद फिर वापस यही चार विष्णु दूत आएंगे विमान लेकर, बोले चलो अब आपका सही समय आया है भगवान के धाम जाने का। ये हमारे साथ भी संभव है अगर हम अपनी गलतियों को समझे और उनको दूर करने के लिए प्रयास करें, नहीं करेंगे तो आयु भी घटेगा, कष्ट भी मिलेगा और बाद में आगे के जीवनों में भी कष्ट मिलेगा। हरे कृष्ण प्रभात की जय, भागवतम की जय। अगर कुछ प्रश्न है कुछ कमेंट्स है तो बोल सकते हैं। क्या गंदी आदत? मतलब ऐसी आदतें जो सही नहीं है, जैसे जब के टाइम पर मोबाइल चलाना भक्तों के लिए, या फिर जो बिना हाथ धोए किसी किताब को टच करना या मालक करना, कभी आसन उठाते हैं उसको उठा के रखते हैं और उसके बाद फिर माला में हाथ डाल देते हैं सीधे हाथ धोए बिना, तो ऐसे शुद्धता के नियम है जो ऐसी कुछ आदतें पड़ी हुई है, मतलब बचपन से ऐसा ट्रेनिंग है तो पता ही नहीं चलता कि हमको मेरे अंदर ये है अभी। और बाकी दूसरे लोगों की बात की जाए, झूठ बोलना, धोखा देना, ठगना एक दूसरे को, कपट करना, अंदर कुछ बाहर कुछ, दूसरों के ऊपर आक्षेप करना, निंदा करना, ये सब जो है गंदी आदत है। क्या क्या हाँ भगवान की कृपा से बढ़ गया उसका आयु, क्योंकि उसने नारायण नाम उच्चारण किया, जितना नारायण बोला उसमें उसके सांस काउंट नहीं हुआ। अगर सांस के साथ देखा जाए, जब हम भक्ति में समय लगाते हैं तो वो क्षण जो है हमारी आयु को क्षय नहीं करता, आयु क्षय नहीं होती उसमें। प्रचारक तो जो है मरता नहीं, मतलब अमर हो जाता है, अमर मतलब आत्मा की स्थिति को पहचान जाता है। शरीर तो जितना टाइम है उसके बाद क्षय होगा ही, पर
अगर भगवान चाहे तो शरीर के आयु को बढ़ा सकते हैं। ऐसे कई भक्त हैं, योगी हैं, हुए हैं, जो 200 300 साल 500 साल भी जिए हैं, तो आयु को जो बढ़ाया जा सकता है, पर जो भगवान के जो शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं वो आयु बढ़ाना भी नहीं चाहते, क्योंकि आयु बढ़ा करेगा क्या, जितना टाइम है उसमें भगवान की सेवा में लगो और भगवान के धाम जाओ, आयु बढ़ा के क्या करेंगे। पर कुछ कुछ होते हैं जो आयु भी बढ़ा लेते हैं, क्योंकि उनके पास छोड़ दिया जाता है, भगवान की कृपा से संभव है, योगियों के पास छोड़ दिया जाता है कि आयु को इंक्रीज कर सकते हो, आयु बढ़ा सकते हो। अजामिल का आयु बढ़ाया क्योंकि अजामिल ने नारायण नाम उच्चारण किया था और उसको भगवान चाहते थे कि ये भक्ति की विधि से अपने आप को पूरा शुद्ध कर ले। अभी तो नारायण नाम उच्चारण किया तो पाप से नष्ट हो गया, पर भगवान के प्रति प्रेम नहीं था, प्रेम था बच्चे के प्रति, आसक्ति थी बच्चे के प्रति, इसलिए वो आसक्ति को त्याग दे और भगवान के साथ में प्रेम का संबंध उसका बन जाए। जो भक्ति करते हैं उसका लक्ष्य केवल पाप नष्ट करना नहीं है, वास्तविक लक्ष्य प्रेम विकसित करना है। तो चाहे हमारे जीवन में पाप नहीं है तो ऐसा नहीं सोचना कि अब तो मैं बहुत बढ़िया हूँ, जब तक प्रेम के स्तर पर नहीं आ जाएंगे तब तक हमको रुकना नहीं है। प्रेम जो है, प्रेम कुमार को महान, कोई वास्तविक लक्ष्य है, इसलिए उनका आयु इसलिए बढ़ाया कि वो शुद्ध भक्ति कर सके और भगवान के प्रति प्रेम विकसित करे। उन्होंने किया भी आगे और फिर बाद में भगवान के धाम गया। हाँ, बोल रहे हैं, इनका प्रश्न है कि सब पाप करते ही हैं, बिना पाप के तो संसार में रहना मुश्किल है, खाएंगे, सोएंगे, चलेंगे, सफाई करेंगे, नहाएंगे, खुजने करेंगे, हर चीज में जो है जीव मरते हैं, तो ये जो कुछ पाप है जिनको अवॉइड किया ही नहीं जा सकता, तो पाप से बचा नहीं जा सकता, पर कुछ स्थूल रूप जितना बचा जा सके, जितना बचा जा सके उतना प्रयास करना चाहिए, और जो भी कार्य करते हैं उसको भगवान के लिए करना चाहिए। अगर भगवान के लिए कार्य करेंगे तो उसमें जो पाप है वो हमको प्रभावित नहीं करेंगे, हम अपने लिए कर ही नहीं रहे। अगर हम भगवान के लिए करेंगे तो भगवान तो सारे पापों को हटा देते हैं, जैसे भोजन जो है भगवान को जब अर्पित करते हैं तो वो सारे पाप जो उसमें है उसको सबको नष्ट कर देते हैं, प्रसाद में कोई पाप नहीं रहता, जो प्रसाद शुद्ध हो जाता उसको तो लगेगा, हाँ उसका भी रिएक्शन उसको लगेगा, पर कम लगेगा, इंटेंशनली जो कर रहा है ना, जान पूछ कर जो पाप कर रहा है उसका ज्यादा लगेगा, जो अनजाने में हो रहा है उसका कम लगेगा। जैसे अभी यहाँ पे सरकार के नियमों के अंतर्गत भी ऐसा है ना, कभी कभी अनजाने में कुछ गलती हो जाती है तो उसको कम सजा दिया जाता है, सजा तो दिया जाता है पर कम दिया जाता है, जैसे उसको जानकारी होती वैसे वो बच जाता है, रोक देता है, वो गलत करता नहीं करता। अनजाने में जो गलती, वास्तव में अनजाने में जो गलती है जब उसको जानकारी होगी तो उसको छोड़ देगा, पर अगर छोड़ नहीं रहा मतलब अनजाने में नहीं है, अभी उसका इच्छा कर रहा है, पाप प्रवृत्ति बन चुका है, बहुत स्ट्रॉन्ग आदत बन चुका है, इसलिए जो अनजाने में पाप कर रहे हैं उनको भी दंड तो मिलेगा पर कम मिलेगा उसकी तुलना में जो जानबूझ के कर रहे हैं। आप जो सुन रहे हैं YouTube पे, आपका कोई प्रश्न है तो लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा, एक बार हरे कृष्णा हम तो बोल के समाप्त करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।